दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप भी युजवेंद्र चहल को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने तेज शुरुआत की और वॉशिंगटन सुंदर के पहले ही ओवर में 13 रन बटोर लिए। हालांकि इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज दीपक चहर ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर लैंडल सिमंस को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर टीम को पहली सफलता दिलाई। लंबे समय बाद वेस्टइंडीज टीम में वापसी कर रहे सिमंस ने आउट होने से पहले 4 गेंदों में कुल 2 रन बनाए। सिमंस के आउट होने के बाद भी इवन लुइस ने वेस्टइंडीज के रन रेट को रुकने नहीं दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवरों में ही टीम के स्कोर को 60 रन के करीब पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों तेजी से अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे लुइस को 6 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अपना शिकार बनाया। ओवर की 4th गेंद पर सुंदर ने उन्हें LBW आउट किया और टीम को दूसरी सफलता दिलाई। आउट होने से पहले लुइस ने 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से मात्र 17 गेंदों में ही 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। फिर दोस्तों लुइस के आउट होने के बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ब्रेंडन किंग को पंत के हाथों कैच आउट कराया। ब्रेंडन किंग 23 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस समय वेस्टइंडीज के 3 विकेट गिर चुके थे और उनके दोनों बल्लेबाज शिमरन हेटमायर और कायरन पोलार्ड लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते जा रहे थे, जिस बीच हिटमायर ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन 18वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पूरा का पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। जी हां, दरअसल 18वें ओवर की पहली गेंद पर चहल ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिमरन हिटमायर को डीप स्क्वायर लेग पर खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। हिटमायर 41 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 4 बड़े छक्के लगाए। फिर दोस्तों इसके बाद भी चहल रुके नहीं और इसी ओवर की 3री गेंद पर उन्होंने दूसरे खतरनाक बल्लेबाज कायरन पोलार्ड को बोल्ड करके इसी ओवर में भारत को 2 महत्वपूर्ण विकेट दिला दिए। और इसी तरह से पोलार्ड भी 19 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 4 लंबे गगनचुंबी छक्के मारे। दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऐसे में एक ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने इन दोनों को आउट करके कहीं ना कहीं भारत को राहत की सांस जरूर दिलाई। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस मैच में युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से बता दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का जो बेल आइकन है उसे भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।